अंकिता लोखंडे ने उठाए रिया पर सवाल। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में ड्रग एंगल के सामने आने के बाद मंगलवार को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा मैसेज लिखकर रिया पर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, अंकिता ने ये भी स्पष्ट किया है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सुशांत की हत्या हुई है। अंकिता लिखती हैं, मुझसे बार बार मीडिया पूछती है कि क्या लगता है, ये मर्डर है या सुसाइड। इसलिए मैं साफ करने के लिए बता दूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये मर्डर है या इसके लिए कोई विशेष शख्स जिम्मेदार है। मैंने हमेशा मेरे दोस्त सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की बात कही है और मैं उसके परिवार के साथ खड़ी हूँ और जांच एजेंसियों को सच बाहर लाना चाहिए। वहीं राज्य और केंद्र सरकार पर है अंकिता को भरोसा, जिसके लिए अंकिता लिखती है, महाराष्ट्रियन और भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे राज्य सरकार, पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है। जब मेरे लिए सौतन और विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल पब्लिक में हुआ, मैंने उस पर कभी जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ 2016 तक सुशांत की और उसकी मेंटल हेल्थ बताने के लिए आगे आई हूँ। अब बात करते हैं अंकिता के वो तीन सवाल जो कुछ इस तरह है। पहला सवाल, डिप्रेस्ड आदमी को ड्रग्स की अनुमति देनी चाहिए? अंकिता ने पूछा, क्या उन्हें एक डिप्रेस्ड आदमी को ड्रग्स का सेवन करने की अनुमति देनी चाहिए? उससे कैसे मदद होगी? उसकी कंडीशन उस लेवल पर पहुंच गई थी जिससे एक आदमी सुशांत की तरह ही हो जाए। वो उस वक्त सुशांत के सबसे करीब थी। एक तरफ वो कहती हैं कि वो सुशांत की बेहतरी के लिए सभी डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर रही थी, दूसरी ओर वो कहती हैं सुशांत के लिए ड्रग्स को कोऑर्डिनेट कर रही थी। अंकिता का दूसरा सवाल, क्यों ना मानी जाए लापरवाही? अंकिता ने कहा, जो ये दावा करता है कि वो किसी से बहुत प्यार करता है, वो दूसरे को ड्रग्स लेने के लिए कहेगा जबकि उसे अगले की मेंटल हेल्थ के बारे में पता हो, क्या आप ऐसा करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करेगा, तो क्यों ना इसे लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत मानी जाए। वहीं अंकिता का तीसरा और आखिरी सवाल, सुशांत ड्रग्स लेता था तो फैमिली को बताया? अंकिता कहती हैं, उसके मुताबिक उसने सुशांत की फैमिली को ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया था, लेकिन क्या सुशांत ड्रग लेता था इसके बारे में बताया? मुझे यकीन है ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि शायद वो खुद इसे एंजॉय करती थी और इसलिए मुझे लगता है कि ये कर्म है। तो फैंस, अंकिता के इन सवालों पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।